अस्सलामुअलैकुम, होपफुली सब ठीक है, खुश है, मज़े में है। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस तरह से ना जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और शेयर करें, ज़ैनिश खटक व्लॉग्स को ज़रूर शेयर करें। और आज हम जो है आए हुए हैं शाहीन बाज़ार आए हुए हैं, कुछ ड्रेसेस देखनी थी मुझे, कुछ छोटी मोटी चीज़ें भी लेनी थी, तो उसके लिए मैं आई हुई हूँ शाहीन बाज़ार। और साथ में बच्चों की छुट्टियाँ हैं तो अब्बास को मैं ले आई थी, निदा जो है उसको इसलिए नहीं लाई थी क्योंकि वो ज़िमल का ख्याल रखती है, और अब्बास को मैं साथ में ले आई थी। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि शाहीन बाज़ार में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो बस हमारे पठानों की लेडीज़ जो है ना हमेशा शॉपिंग में मसरूफ़ रहती हैं, बल्कि सारी औरतें हमेशा ना शॉपिंग में मसरूफ़ रहती है, कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, शॉपिंग तो सब औरतों ने करनी है। और यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे डिज़ाइन आए हुए थे तो मैंने कहा चलो मैं आप लोग को भी दिखा दी चलूँ, आजकल शादियाँ भी चल रही तो उसके लिए सूट इतने अच्छे आए हुए हैं, बस जो है ना इतने प्यारे प्यारे आए हुए थे। और मैं गई हुई थी तो मैंने कहा चलो मैं आप लोग को भी दिखाती चलूँ, और इतने प्यारे आए हुए थे यहाँ पे। और इस तरह से फिर ये अंडरग्राउंड था, यहाँ पे नेट के सूट्स थे और इतनी ज़बरदस्त इनकी नेट थी ना जिसकी कोई हद ही नहीं है, ज़बरदस्त नेट थी इनकी, और बिल्कुल मतलब बहुत ही प्यारी नेट थी इनकी। ये अंडरग्राउंड ही एक शॉप थी, शॉपें थी यहाँ, बहुत सारी शॉप्स थी। तो ये देखे पहले ये येलो वाला नेट देखे, इतना ज़बरदस्त है ये और इतना अच्छा काम हुआ है। इस तरह से ये वाला ब्लू कलर का नेट, ये भी इतना अच्छा था, ऊपर से ना आप बना के शर्ट बना ले। और ये देखे इतना प्यारा ये ब्लू कलर था, इसमें ब्लैक भी था, और ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग सा था और बहुत ही प्यारा था यहाँ पे। और इस तरह से ना सारे यहाँ पे बहुत ही प्यारे सूट थे, और ये काबिली लोग जो है वो नॉर्मली मैं भी यही पहनते हैं, तो वो लोग तो लेते जाते हैं चाहे गर्मी हो सर्दी हो जो भी हो, वो लोग यही पहनते हैं। और बस इस तरह से ना ये टिशू में था, तो काफ़ी अच्छे अच्छे थे प्रिंट्स और बड़े ज़बरदस्त और प्यारे मुझे लगे यहाँ पे। फिर एक और प्लाजे में हम आए थे और इसमें तो हद ही नहीं थी, यहाँ मैं पहले भी आई हुई थी जब मेरी देवरानी की बेटी की शादी थी तो तब मैं आई थी, अब नेक्स्ट टाइम मैं अभी आई हूँ। और ये डिज़ाइन मुझे इतना अच्छा लगा, इतना प्यारा मुझे लगा, बच्चों के फ्रॉक के लिए या आप शर्ट बना ले तो बड़ा ही मुझे ये प्यारा लगा। और इसमें रेड कलर का था वो मुझे बड़ा प्यारा लगा। और इस तरह से ये बॉर्डर वाली अगर आप शर्ट बनाना चाहें साड़ी के लिए तो बड़ा ही ये ज़बरदस्त था, और अच्छी सी ना कढ़ाई हुई थी। तो ये पूरी शॉप थी जो भरी हुई थी इस तरह से नेट के, उससे ना नेट पे जो है स्टोन का काम हुआ था, और ये सारी शॉप इसी से भरी हुई थी, तो स्टोन काफ़ी अच्छे लग रहे थे उस पर। और कुछ पे ना कुछ नेट पे जो है सितारे भी लगे हुए थे, वो भी काफ़ी मतलब अब जैसे मैं ये दिखा रही हूँ ना तो ये नेट पे जो है सितारे का काम हुआ है, और बड़ा ही प्यारा ये लग रहा था, सॉफ्ट कलर था और बड़ा ज़बरदस्त लग रहा था यहाँ पे। तो इस तरह से ये ब्लू में भी यहाँ भी स्टोन का काम हुआ था नेट पे, और बड़े ही प्यारे यहाँ पे थे। तो इस तरह से ये वाले सारे नेट के सारे सूट नेट के थे, और ये स्टोन का काम इन सब पे हुआ था, और सारे बड़े प्यारे यहाँ पे लग रहे थे और काफ़ी अच्छे अच्छे थे। तो बंदा अगर शादी के लिए लेना चाहे ना, और अगर आप लोग भी लेना चाहें तो ज़रूर जाएं। और ये एक शर्ट ना आपको 6000 में मिलेगी, और एक शर्ट से अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो 10000 में ना एक फ्रॉक कह लें आप तो वो पड़ जाएगी, और शर्ट यहाँ पे 6000 में पड़ रही थी यहाँ पे, तो बड़े ही ज़बरदस्त। और ये देखिए ये मुझे इतना अच्छा लगा, और सिल्वर बड़े प्यारे यहाँ पे लग रहे थे, तो सिंपल में भी थे और फिर प्रिंटेड में भी थे। और ये वाले ना ये काफ़ी मुझे मतलब ट्रेंडिंग लग रहे हैं ये वाले, इसकी शर्ट्स आप बना लेना, इतनी ज़बरदस्त इसकी शर्ट बनती है और बड़े मज़े की लगती है ये वाली शर्ट। तो इस तरह से प्लेन में भी थे, और फिर मुझे ये सब मैं दिखा रही थी तो फिर मुझे यहाँ एक नज़र पड़ी उस जो है प्रिंटेड पे, प्रिंटेड जो नेट है उस पर भी जो है काम हुआ था, वो बड़ा प्यारा लग रहा था। इस तरह से ये सिंपल, तो ये सारे सिंपल थे। और यहाँ पे ये वाला ये सामने देखे, ये देखे प्रिंटेड पे भी हुआ है, और ये मुझे इतना अच्छा लगा, इतना ज़बरदस्त ये लग रहा था और बड़ा ही ज़बरदस्त था। तो इस तरह से ना सारे हमने देख लिए थे। फिर ये सितारों नेट पे जो है सितारे का काम हुआ था, और ये भी काफ़ी अच्छा था, काफ़ी प्यारा ये लग रहा था। और फिर यहाँ पे हम आ गए थे, मुझे कुछ मतलब सिंपल कपड़ा भी चाहिए था तो यहाँ हम आ गए थे, और ये काफ़ी मतलब मज़बूत कपड़ा था यहाँ पे और बड़ा ज़बरदस्त था। तो यहाँ पे कुछ लॉन के भी पड़े हुए थे तो वो भी मैंने देख लिए, मैंने कहा बच्चों के लिए लेना हो
ज़ेमल और निदा के लिए, उनकी गर्मियों के फ़्रॉक्स के लिए। तो यहाँ पे ये कपड़ा भी काफ़ी अच्छा था, और साथ में ये देखे चिकन के भी कपड़े पड़े हुए थे। तो हर एक वैरायटी थी यहाँ पे। वैसे मुझे ना स्टोन वाले काफ़ी अच्छे लगे, अगर शादी वगैरह में बंदा बनाए ना तो काफ़ी अच्छे हो। और यहाँ पे हमारे पेशावर के ख़वातीन और ख़वातीन जो शॉपिंग कर रही है, गर्मी सर्दी को इनका ना गर्मी सर्दी से कुछ लेना देना नहीं है। और फिर यहाँ पे शूज़ मुझे लेने थे अपने लिए, तो सिंपल शूज़ लेने थे वो लिए। और यहाँ भी देखा है मैंने, तो यहाँ भी देखे हैं, और यहाँ भी फिर मैंने ना अपने लिए सिंपल शूज़ ले लिए थे यहाँ पे, और येलो कलर के मैंने लिए थे। तो का मतलब नज़दीकी कहीं जाना होता उसके लिए मेरे नहीं थे वो लिए। फिर चादर मुझे लेनी थी यहाँ पे, और ये सेल लगी हुई थी, 600 में एक चादर मिल रही थी, तो यहाँ से एक चादर मैंने अपने लिए ले ली, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो ये काफ़ी कंफर्टेबल होती है, काफ़ी अच्छी होती है, और कहीं जाना होता अच्छी भी लगती है, और गर्मी भी आपकी अच्छी गुजर जाती है इन चादरों में, तो ये मैंने ली है। तो यहाँ पे पोनिया वगैरह जिन पे सेल लगी हुई होती है, 30 की होती है, 40 की, 60 की, तो उससे जो है ना ये लोग काफ़ी इससे फ़ायदा ले लेते हैं सेल लगा के। और बस यहाँ पे ना छोटी मोटी चीज़ें मैंने ले ली थी बच्चों के लिए, केचर, पोनिया। वैसे प्राइस के लिहाज से अगर हम देखें ना तो बहुत ही रीज़नेबल, बहुत ही ज़बरदस्त थे। और क्या बच्चे एक ही दफ़ा पहन के ना वो घुमा देते हैं, तो मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगा। प्राइस के हिसाब से 30, 40 या 50, 60 जिसमें मिल रहा है, एक दफ़ा पहने और बच्चा मतलब पहन दे, कहीं घुमा दे तो कोई मसला नहीं है। आप महंगे लें तो इससे अच्छा है कि आप ये वाले लें। और इन पे रश भी काफ़ी होता है, मतलब सभी ले रहे होते हैं ये, और काफ़ी रश इन पे होता है। तो ये पूरा प्लाजा है जिसमें ना सिर्फ यही चीज़ें पड़ी हुई होती है और यही चीज़ें मिलती है, तो काफ़ी अच्छा ये हो जाता है। तो बस मैं यहाँ से निकलने वाली थी, और ये पूरी इनकी शॉप है, शॉप क्या पूरा प्लाजा इन्होंने पकड़ा हुआ है। और पूरा प्लाजे में ना पर्स सब कुछ आपको मिल जाएगा, एवरीथिंग मुझे मिल जाएगा और सेल पे मिलेगा। तो बस यहाँ पे हम निकल आए थे। तो अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मस्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करें। तो अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।